मुझे तो लग रही थी भूख। अब पूरी डिक्की पूरी फूल है ऑलरेडी पीछे सब। पर्सनल किचन की चाय। हमने अभी नासिक क्रॉस किया है, सुबह सुबह दर्शन किया हमारा हॉट मांगे। पहले बहुत अच्छी बनी है एकदम गरम गरम। इधर साइड में हो रहा है सनराइज। हे गाइस व्हाट्सअप, तो कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर 2 महीने के बाद मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं हूँ खरगोन अपने होम टाउन। आज है 22nd of December और अभी बज रहे हैं शाम के 7। लोग निकल रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। सो पूरे 2 महीने के बाद हमारा एक फैमिली ट्रिप प्लान हुआ है। लास्ट ईयर आपको पता है हम लोग गए थे, कहाँ गए थे? हम लोग गए थे राजस्थान बाय रोड। हमारा रोड ट्रिप था, फैमिली ट्रिप, 2 बैग कैरी किए। इसमें कुछ ठंड के हिसाब से, अभी दिसंबर है तो उस हिसाब से मैंने इसमें कुछ थोड़े बहुत मैंने रखे हैं, बाकी इसमें मेरे एसेंशियल्स हैं। जैसे ये मेरे चश्मे वगैरह हैं, हेयर ड्रायर है, कॉम्ब, चड्डी बनियान, जैकेट, फेस वॉश वगैरह ये सब मेरा इसमें है। ये है मेरा कैमरा। बिना फालतू की बातें किए हुए, टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं नीचे। बाकी लोगों की पैकिंग, सबके अपने अपने दो दो तीन तीन बैग्स हो गए हैं। और ये इधर मैडम खांस रही है। ये सब पूरा घर ऐसा पूरा फैलारा पड़ा है। मुझे तो लग रही थी भूख, तो मैंने तो बना ली मैगी जाने से पहले। ये मैं डाल रहा हूँ चीज़, मसाला है, और उधर इधर एक्स्ट्रा मसाला मुझे चाहिए रहता है। हियर वी गो। और हाँ, इस ट्रिप पर हमारे साथ ये नहीं जा रही है क्योंकि मुझे कुछ और काम करने तो हमें ज्यादा इस बात का दुख भी नहीं है क्योंकि हम लोग मजे मार कर, मतलब ऐसा, इसको हम सेंवा छोड़ देंगे और हम निकल जाएंगे। मम्मी भी हो चुके हैं रेडी, सब लोग जा रहे हैं नीचे। मैं बस सॉक्स पहन के निकलता हूँ। ये इतनी तो है, अभी थोड़ा सब आएंगे बैठेंगे तो हो जाएगा। पूरी डिक्की पूरी फूल है ऑलरेडी पीछे सब। और ये भी इतना है, आगे उधर है, पैर के पास और है। दिस इज हाउ फैमिली ट्रिप लुक्स लाइक। अभी नीचे जाते जाते सब लोग वापस ऊपर आ गए। अभी 10 बार तो टाइम लगेगा जाने में। लेगी सेंधवा, इसको उतारेंगे फेंकेंगे, उसके बाद ही गाड़ी थोड़ी अच्छे से सिस्टमेटिक होगी। बोलो गणपति बब्बा मौर्या। गाइस हम लग चुके हैं आगरा बॉम्बे हाईवे पर, महाराष्ट्र तक नासिक तक पूरा हमें इसी रोड पर जाना है स्ट्रेट। हेलो गाइस, बेसब्री से इंतजार। कहाँ है बाबू? तो हम लोग आ चुके हैं हमारे पहले स्टॉप पर। हाई करो, हाई करो, ब्लॉग बन रहा, हाई करो। यहाँ पर आप दर्शन करिए सबसे पहले राम जी के, जय श्री राम। हम लोग 9 बजे सेंधवा आ गए थे, अभी रात के 10:30 हो रहे हैं और अभी हमारा कुछ फिक्स नहीं है जाने का। थोड़ा देर, मतलब थोड़ी देर रेस्ट कर चार, थोड़ी देर भी मतलब 3-4 घंटे थोड़ी देर बाद हम करीबन 1-2 बजे तक निकलेंगे। तो गाइस अभी हो रहे रात के 2, हमने करीबन 4-4.5 घंटे हमने 3-4 घंटे रेस्ट कर लिया है एंड इट्स टाइम टू कंटिन्यू आवर जर्नी, सो लेट्स गो। आ चुके हैं अभी यहाँ बीजासन घाट पर। और ये मेरे साइड में, इधर राइट साइड पर
बीजासन माता का मंदिर। बस अब ये जैसे हम घाट क्रॉस करेंगे यहाँ पर हमारी फिर महाराष्ट्र हमारा चालू हो जाएगा। अभी सुबह के और अभी मैं बना रहा हूँ कॉफी बना रहा हूँ तो कॉफी हाँ कार के अंदर मैं कॉफी बना रहा हूँ। यह है इसमें सिर्फ गर्म पानी ऐड करना है तो अभी गर्म पानी हमने कर लिया है। इसमें हमारा गर्म पानी है और इसे हमने गर्म कैसा किया है तो मैं दिखाता हूँ। ये हमारा हॉट मग है, इसे हमने इधर कनेक्ट किया हुआ है तो इसमें गर्म हो चुका है। मैं सोच रहा था डायरेक्ट इसमें डाल लेते हैं बाकी फिर ये गंदा होगा इसको धोना पड़ेगा तो सेपरेट डिस्पोजल में थोड़ी थोड़ी मैं कॉफी डाल के फिर मैं ज़्यादा डाल दी। चल ठीक है कोई ना, मैंने पी लिया है। अब इन लोग को एक एक ग्लास बना के देता हूँ। एकदम गरम गरम इस बारे पानी धुआं भी निकल रहा है। वो वाली थोड़ा सा कम थी, ये बहुत अच्छी हॉट है। ओहो हॉट है, जल्दी रिव्यू। अच्छी पर्सनल किचन की चाय कॉफी सॉरी। एक और बनाता हूँ पापा के लिए, एक और बनाता हूँ। डाल देंगे इसमें मैं ये नेस्कैफ का मिल्क पाउडर डाल के बना रहा हूँ। अभी हो गए सुबह के 6:30 और हम लोग जस्ट हमने अभी नासिक क्रॉस किया है और हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। ठंड लग रही है, ठंड तो मुझे कम लग रही है, मम्मी इन लोग को ठंड लग रही है ज़्यादा। हाय ठंडी बहुत लग रही है, ठंड इतनी ज़्यादा खास है नहीं, इधर भी ठंड लग रही है इसको भी। तो यहाँ पे पेट्रोल हम लोग डलवा रहे हैं और थोड़ा हमने शायद अभी तक हाँ सेकेंड स्टॉप है हमारा एक सेंधवा में और दूसरा हमारा ये, इसके अलावा हमने कोई स्टॉप नहीं लिया। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसा बाहर निकल के। मैं आपसे डायरेक्ट मिलता हूँ त्र्यंबकेश्वर में। सुबह के 7 हो रहे हैं और मेरे जस्ट इधर साइड में हो रहा है सनराइज। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज है। सुबह सुबह दर्शन। जस्ट हमारे सामने आ गया है मंदिर। यहाँ पे हमें पेड पार्किंग अच्छी मिल गई है तो हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है। उधर जनरल पार्किंग उधर है बट उसके लिए बहुत ऐसा घूम के जाना पड़ता है और ये पेड पार्किंग पास में ही है और जस्ट यहाँ से हमें बस सीधा जाना है तो इसलिए हमने यहीं पे गाड़ी पार्क कर दी है।